इज ग्रो, आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। जानेंगे क्या है ये यूटीआई, कैसे होता है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं यूटीआई क्या है। यूटीआई है यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि कभी कभी क्या होता है बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है महिलाओं में, लेकिन सिर्फ महिलाओं में ही ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर स्टार्टिंग से इसकी क्योर ना की जाए तो ये प्रॉब्लम बाद में बहुत ज़्यादा मेजर हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि यूटीआई क्या है। कभी कभी क्या होता है बच्चों को यूरिन पास करते समय यूरिन वाली जगह पर कभी कभी उनको ईचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर बच्चा 5 साल से नीचे है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है या स्टार्टिंग है, तो बच्चों को क्या होता है कभी कभी वो बोल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। जब भी बच्चा यूरिन पास करने वाला होता है तभी बच्चे का रोना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये इस चीज़ का हमें बहुत पहले से ध्यान रखना है। तो चलिए इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, अक्सर रोना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी उनको यूरिन पास करना होता है उस समय उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि उनको पेन स्टार्ट हो जाता है यूरिन पास करते समय, उनके यूरिन में स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं बच्चों को उल्टी हो सकती है, फीवर हो सकता है। इस तरीके से बच्चों के ये सारे सिम्टम्स आपको शो करेंगे कि बच्चों को यूटीआई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। इन सारी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो बोल नहीं सकते कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आपको, इसलिए आपको उनको इस तरीके से केयर करना है कि बच्चा कभी कभी बार बार पैर अपने पैरों को दोनों पैरों को वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है, उनको टॉयलेट आ रहा है जब, तो बच्चे अपने पैरों को ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है, रोने लग रहा है। तो इस तरीके से आपको जानने की कोशिश करनी है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप रिस्क नहीं ले सकते या फिर कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं अपना सकते। तो इसीलिए अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस बारे में बात करें। बॉय हो या गर्ल, दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले सिर्फ लोग सोचते थे महिलाओं में ही ये सिर्फ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, लेकिन नहीं, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। अगर बच्चों के टाइम से ही ये चीज़ केयर नहीं ली जा सकती है तो फिर बड़े होने के बाद भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो बचपन से ही बच्चों के साथ केयर करने की कोशिश करें इस चीज़ की, जिससे बड़े होने के बाद इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है क्योंकि बॉडी में किसी भी तरीके की अगर बच्चे को फीवर आता है, उल्टी आती है, खाना नहीं ठीक से खा पाता है, तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। आप अगर कुछ भी बोलोगे वो परेशान होते हैं, वो आंसर ठीक से नहीं देते। बच्चे को किसी भी तरीके की बीमारी होती है तो उसका मूड वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं और वो बच्चा खुद भी परेशान रहता है उसकी प्रॉब्लम के साथ। तो सॉल्यूशन जरूर करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहले से ही क्योर करें जिससे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, और इवन सभी को ये क्योर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस गर्मी में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीने की वजह से कभी कभी यूरिन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों के साथ। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिलाएं, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके क्या क्या हम फूड ले सकते हैं जिससे ये यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो या फिर अगर स्टार्टिंग है तो ना बढ़े। तो यूटीआई से बचने के लिए सबसे पहले हम खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध ज़रूर पिलाएं क्योंकि बच्चों के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटीआई से भी सेफ रखेगा, उनको हेल्दी भी रखेगा। दूसरी बात है, इस गर्मी के टाइम में बच्चों को नींबू का रस ज़रूर दें। अगर बच्चा 1-1.5 साल से छोटा है तो मत दें, और बच्चा अगर 1-1.5 साल से बड़ा हो चुका है और अभी वो सॉलिड फूड शुरू कर चुका है तो उसको नींबू का रस ज़रूर दें। क्योंकि छोटे बच्चों को इसलिए नहीं दे सकते, वो ज़्यादातर दूध पीते हैं और दूध के साथ नींबू का तो रिएक्शन आपको पता ही है, नहीं बनता है, बच्चों को वोमिटिंग आने लग जाती है। तो इसीलिए बच्चे को जब बच्चा 1-1.5 साल से ऊपर हो जाता है और सॉलिड फूड शुरू कर चुका है तो बच्चे को आप नींबू का रस दे सकते हैं। आप अलग से उसको नींबू का शरबत बना के दे सकते हैं या फिर बच्चे को खाने के साथ भी नींबू प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उसके बॉडी में नींबू का रस जाना चाहिए। नींबू का रस बच्चे में पीएच लेवल में चेंज लाता है जिससे बच्चे के यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं और बच्चे को सेफ रहता है। और गर्मियों में वैसे भी बच्चों के लिए नींबू बहुत फायदा करता है, वैसे बच्चे ही नहीं बड़ों को भी नींबू का रस जरूर लेना चाहिए। गर्मियों में ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो इसलिए बच्चों को नींबू का रस जरूर दें। नींबू के रस के एक और फायदे हैं, वो किसी भी तरीके की बैक्टीरिया को बॉडी में बढ़ने से रोकता है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बढ़ने से ये रोकता है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है।
इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे को अनानास दे सकते हैं, अनानास का जूस बनाकर दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा अनानास खा सकता है तो उसको ये जरूर खिलाएं। अनानास कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं करता है। बच्चा अगर एक डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है तो फिर आप अनानास बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ क्यों नहीं बोल रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए भी ब्रेस्ट फीड ही सबसे बेस्ट होता है। उससे उनको चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने के। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके साथ ये इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ क्यों चांसेस हो सकते हैं 1-2% भी, क्योंकि हम जब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के डायपर का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, बच्चा जब यूरिन पास कर रहा है वो बिस्तर में कई घंटों तक पड़ा रहता है, तो इस बारे में अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तब बच्चों के साथ ये इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। या बच्चे को नहलाते वक्त हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी ये इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है। अदरवाइज़ खाने की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके साथ साफ सफाई का हम पूरी तरीके से क्योर नहीं लेते हैं या फिर उसको उसके तरीके से छोड़ देते हैं, तो भाई ऐसा ना करे। थोड़ा बच्चा जब 5 साल से नीचे तक का है उसके साथ पूरे तरीके से क्योर ले, उसके बाद वो देखते देखते खुद ही सीख जाएगा और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेगा। वो भी मैं आपको कैसे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहले हम खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे को अनानास जरूर देना है, उसका रस भी बहुत फायदा करता है, इस चीज किसी भी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने में हेल्प करता है। इसके बाद आप गर्मियों में खीरे का रस दे सकते हैं बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उसको रस करके दे सकते हैं, या फिर बच्चा खाना सीख चुका है, उसके दांत आ चुके हैं तो बच्चा वैसे खुद ही खाने लग जाता है, तो खीरा ज़रूर इस गर्मी में प्रोवाइड करें। बच्चे को दही देना ना भूले बिल्कुल, इस गर्मियों में आपको स्टार्ट कर देना है दही देना। सर्दियों में जिस तरीके से अवॉइड करने के लिए मैंने कहा था थोड़ा सा कम अवॉइड करें क्योंकि ठंड लगने का डर रहता है, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में बिल्कुल जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत गर्मी पड़ी हुई है, बच्चों को अगर ठंडी ठंडी थोड़ी सी दही दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा करेगा। किसी भी तरीके से इन्फेक्शन बैक्टीरिया को बढ़ने से ये रुकेगा और बच्चों के इस बॉडी को ठंडा रखेगा, जिससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे को दही ज़रूर दे। किसी भी तरीके का फ्रूट जूस वैसे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, पर अनार अनानास आप बच्चे को वाटरमेलन ज़रूर दे, वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस गर्मियों में। वाटरमेलन बच्चों में पानी की कमी को भी पूरा कर, किसी भी तरीके की यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन को होने से रोकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में पानी होता है जो कि बच्चे की बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। तो इसीलिए ये सारे फूड आप ज़रूर बच्चों को खिलाएं। सब्जियों में बच्चों को पालक दे सकते हैं। पालक को उबालकर, अगर बच्चा पालक नहीं खाता है, साग सब्जी नहीं खाता है, तो आप बच्चों को पालक उबालकर उसका पानी सूप की तरह बनाकर यूज़ कर सकते हैं, उसको बच्चे को ज़रूर दे सकते हैं। ये भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। बाकी गर्मियों में जो भी सीजनल फ्रूट या फिर सीजनल वेजिटेबल है वो बच्चों को देना ना भूलें। तो ये कुछ मेन बातें थी। बाकी भरपूर मात्रा में पानी पिलाइए बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध भी देते रहें, और जो बड़े बच्चे हैं वो सॉलिड ले रहे हैं तब भी उनको बीच बीच में दूध देते रहिए। गर्मियाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं देना है बच्चों को। छोटा बच्चा है वो तो दूध पे ही डिपेंड रहता है, उनको दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको सॉलिड्स के साथ थोड़ा थोड़ा दूध या फिर रात को सोते वक्त दूध ज़रूर दें, तो ये बहुत सही रहता है। इसके बाद एक और बात जो कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा 5 साल से नीचे है तो नहाते वक्त बच्चों के यूरिन वाली जगह पर आपको सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हर रोज़ बच्चे के नहाते वक्त आपको साफ़ करना है, और बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो देखते देखते खुद ही सीख जाएगा, उसको आदत हो जाएगी, वो खुद साफ़ करने लग जाएगा, तो नहाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद एक और बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई बड़ा वॉशरूम यूज़ करता है उसके तुरंत बाद बच्चा अगर टॉयलेट यूज़ करता है तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस बड़े इंसान में, घर के मेंबर में, किसी भी मेंबर में कोई क्या प्रॉब्लम है ये हम नहीं कह सकते, तो उससे भी बच्चों के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी आप बच्चे को जब आप वॉशरूम यूज़ करवाते हैं तो उससे पहले ज़रूर आप डेटॉल वाटर से बिल्कुल वॉशरूम को साफ़ कीजिए, यानी कि एक बार उसमें एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन डेटॉल डालकर ज़रूर पूरे बाथरूम में आप एक बार डाल दीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को वॉशरूम यूज़ करने। तो वॉशरूम यूज़ करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें, कभी कभी वैसे भी आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि रोज़ आपको कम से कम डेटॉल वाटर से वॉशरूम को क्लीन रखना ज़रूरी है। ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है किसी भी पर्सन के लिए, जो भी आपका फैमिली मेंबर है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद एक और आप ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी इसके बाद एक और बात का ध्यान रखिए, अगर छोटा बच्चा है वो पॉटी सीटर यूज करता है तो उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। उसको आप हफ्ते में एक या दो बार अगर साफ करते भी हैं तो, लेकिन उसको डेटॉल पानी से, क्योंकि बच्चा जब भी पॉटी या टॉयलेट करके उससे उठता है तो फिर उसके बाद आप उसको धोने जब जाते हैं तो उसको डेटॉल के पानी से ज़रूर धोए हर रोज़, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। छोटे बच्चों के कपड़े धोते समय भी ये आपको ध्यान रखना है। जब आप छोटे बच्चों के कपड़े को वॉश करते हैं तो उसके बाद लास्ट में उसे डेटॉल के पानी से ज़रूर धोएं। इस साफ़ सफाई के थ्रू भी आप बच्चों की केयर कर सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का।
कि बच्चों के साथ आप किस किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चों से लेके बच्चा 5 साल तक हो जाता है तब तक तो बच्चा बहुत सही रहेगा, बहुत सेफ रहेगा। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, वो खुद अपनी केयर कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों की ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, जिससे मेजर कोई प्रॉब्लम बाद में आपको फेस ना करनी पड़े। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैंने ये कई सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस लाइफ में देखी है, तो इसीलिए मैंने सोचा, और मैं भी अपने डिश के साथ ये सारी केयर लेती हूँ जिससे मुझे फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए आप भी अपने बच्चों के साथ ये सारी केयर लीजिए जिससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर बच्चों से रिलेटेड आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको सलूशन चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके सलूशन ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा प्लीज़, जिससे दूसरों को भी इस चीज़ की हेल्प मिल सके।